बिहार के दरभंगा जिला में एक बार फिर कामगार महिला के साथ यौन शोषण का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। शहर के बेता स्थित एक हॉस्पिटल सहित 3 रेडियोलॉजी सेंटर चलाने वाले कथित भाजपा नेता विजय यादव पर एक दूसरे धर्म की महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए लहेरियासराय थाना में कांड दर्ज कराए हैं। वहीं इस संदर्भ में सदर SDPO अमित कुमार ने कहा कि आरोपी विजय यादव ने प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। वही पीड़ित महिला ने अपने आवेदन में कहा कि मधुबनी जिला के हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहार गांव के निवासी विजय यादव ने अपने अस्पताल में काम देने के नाम पर महीनों तक उसका शारीरिक शोषण किया। इस दौरान वे 2 बार गर्भवती हो गई, जिसे अवैध तरीके से दोनों बार जबरदस्ती गर्भपात करवाया गया। इस मामले को लेकर पीड़िता विजय यादव के अलावा संजीत कुमार एवं चंदन कुमार यादव को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अल्लपट्टी स्थित एक ENT अस्पताल में प्राइवेट नौकरी करती थी। उसी क्रम में विजय यादव से मुलाकात हुई। उसी क्रम में विजय यादव ने ज्यादा वेतन देने के साथ बच्चे की अच्छी पढ़ाई लिखाई का ऑफर दिया। आरोपी के झांसे में आकर 11 फरवरी 2024 को अल्लपट्टी की उक्त ENT क्लिनिक छोड़कर विजय यादव के रेडियंट जानकी समृद्धि हॉस्पिटल में काम करने लगी। एक सप्ताह के बाद विजय यादव ने पीड़िता को लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज में एक किराए के मकान दिलाया। मकान मालिक को पीड़िता को अपनी पत्नी बताया। इसके बाद पीड़िता को कहा कि अब तुम्हें हॉस्पिटल में काम करने नहीं जाना है, बल्कि मेरी पत्नी के रूप में यहाँ रहो। पीड़िता ने कहा कि उसी समय से विजय यादव उसका यौन शोषण करने लगा। इस दौरान दो बार गर्भवती हो गई, दोनों ही बार पीड़िता का गर्भपात करा दिया। कुछ दिनों बाद विजय यादव पीड़िता के साथ अक्सर मारपीट करने लगा। वही पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक दिन आरोपी विजय यादव अपने सहयोगी सिंहवारा थाना क्षेत्र के सनपुर निवासी संजीत कुमार एवं अपने साला चंदन कुमार यादव के साथ मिलकर पीड़िता को बेचने के लिए गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाया जा रहा था। जब इस बात की भनक हमें लगी तो हमने मौका पाकर किसी प्रकार इन लोगों के चंगुल से भाग निकली। उसके बाद से वह इन लोगों की नज़र से छिपकर रह रही है, क्योंकि इन लोगों का भाजपा के बड़े नेताओं के ताल्लुक है। वही इस आरोप के संबंध में आरोपी विजय यादव से पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आया। साथ ही उसके संस्थान पर कार्यरत कर्मी कुछ भी बताने से इनकार किया। लोग दबे जुबान कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के डर से विजय यादव पड़ोसी देश नेपाल में छिपकर रह रहा है। वही सदर SDPO अमित कुमार ने कहा कि पीड़िता ने जांच केंद्र के मालिक विजय यादव सहित उनके साले व एक अन्य आदमी के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके साथ संबंध रहा है। अब आरोपी के द्वारा तरह तरह से धमकाने की कोशिश की जा रही है। वही उन्होंने कहा कि जहां तक गर्भपात का सवाल है, मेडिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया है कि विजय यादव उसे बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, जिसकी जांच चल रही है। वही SDPO ने कहा कि पीड़िता विजय यादव के सेंटर पर नौकरी करती थी, उसी क्रम में प्रलोभन देकर इस प्रकार का काम किया गया है। जिन्होंने कोई है जांच, जिनके जांच सेंटर्स हैं और विजय यादव उनका नाम है, उन पर और उनके सगे एक साले पर और एक और व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उनके साथ संबंध में रहे हैं और अब तरह तरह से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, किस दिन वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, 2 बार अबॉर्शन की बात आ रही है, ये कितनी सच्चाई है? देखिए, इसकी ये जांच का विषय है, पूरी जांच कराई जाएगी। उनके जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब का भी वो बताएंगी, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस जो भी है, पूरे मामला जांच। सर, ये भी दिया गया विजय यादव उस लड़की को बेचने के लिए भी ले जाया जा रहा है, लिखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, आवेदन में लिखा गया है। इस तरह का प्रलोभन दिया गया था शहरी उसे नौकर, उसके यहाँ नौकरी करती थी, जिसके यहाँ जिस क्लिनिक की बात की जा रही है, जिस टेस्ट सेंटर की बात की जा रही है, वहाँ वो नौकरी करती थी। रेडियंट या ऐसा कुछ नाम है, बताया जा रहा है कि वहाँ वो नौकरी करती थी। नौकरी के क्रम में ही तरह तरह के प्रलोभन देकर उसके ऐसा किया गया। अगला कदम होगा कि बिल्कुल समय और पूरी जाँच होगी, जाँच के बाद जो सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी।